बाग है, जो सलमान खान को रज़ी अल्लाह तआला का बाग कहलाता है। और उनके ये जनाब के तरफ से लगे हुए हैं, यहाँ पर खास तौर से हमने अपने हाथ से दरख्त लगाए थे, लेकिन अभी ये दरख्त वो दूसरे तरफ से वो नहीं है, लेकिन इसी जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहूदी था उससे आज़ादी दिलाई। उन्होंने कह दिया रखा था कि आप 100 दरख्त जो हो तो लगाओ और वो बड़े हो, फिर मैं आपको आज़ाद करूँगा। हाथ मुबारक से वो दरख्त लगाए और जल्दी बड़े हो गए, और इसी तरीके से हज़रत आज़ादी होती हुई। एक कुआँ माशाल्लाह अभी तक जारी है, पूरी नया मीठा है माशाल्लाह, इतना अभी तक क्योंकि रोज़ा है इसलिए मैं पानी पी नहीं सकता, और ये सारा बाग जो है इसी से ही शराब होता है। और आप देखें उसका पानी जो है वो दूसरी साइड से बाग की तरफ जा रहा है। ये पानी है माशाल्लाह, यहाँ से पूरा बाग सैराब होता है, मशीन के ज़रिए ये पानी यहाँ से लाया जाता है, और ये सारा बाग जो है इसी से ही सैराब होता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से दरख्त लगाए थे हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद करने के लिए, और उनका जो यहूदी मालिक था उसी से आज़ादी दिलाने के लिए। और आज की जो हमारी इस सारी ज़ियारतों का जो गाइड है वो हमारे मोहसिन और मोहतरम जो है वो खालिद भाई साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने हमें तमाम ज़ियारतें कराई मदीनतुल मुनव्वरा में। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको माल में, इल्म में, अमल में, औलाद में बरकतें नसीब फ़रमाएँ।